ताला युस्लिहुल्लाहु फी लैला, अल्लाह ताला उनकी एक रात में इस्लाह फरमा देंगे। इस्लाह होने के बाद वो बाशरा भी हो जाएंगे और वो जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनके अंदर से वो दूर हो जाएंगी और वो जो इस्लाम का मुकम्मल पर्सनैलिटी का एक 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 सांचा है उसमें ढल जाएंगे। जैसे सहाबा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ियाँ मुबारक थी, मोस्ट प्रोबेबली दाढ़ी भी रख लेंगे। ये किसी ने कमेंट में सवाल किया हुआ था कि जो इमाम अल महदी अलैहि रहमा अलैहि सलाम होंगे उनकी, तो अल्लाह ताला युस्लिहुल्लाहु फी लैला हदीस शरीफ में आता है कि एक रात में इस्लाह होगी, तो आप कैसे कहते हैं कि फ़लाँ शख्स मोहम्मदी है? तो देखें, जो हदीस शरीफ में आता है, मैं ये पहली तो बात यह कि मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ शख्स इमाम महदी है, मैं ये कहता हूँ कि फ़लाँ शख्स इमामुल महदी मुस्तकबिल में हो सकते हैं, वल्लाहु आलम। हमें नज़र रखनी चाहिए, हमें गौर करना चाहिए उनके मैसेज के ऊपर कि मोस्ट प्रोबली यही इमामुल महदी बन जाए, तो ये ना हो कि फिर बहुत देर हो चुकी है, हम पीछे रह जाएं। तो युस्लिहुल्लाहु फी लैला से मुराद ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि किसी को इस्लाह की ज़रूरत है तो उसको इस्लाह की ज़रूरत होगी, यानी इमामुल महदी हम ही में से कोई एक आम शख्स होंगे। और ये युस्लिहुल्लाहु फी लैला से ये बात भी बिल्कुल क्लियर होती है कि वो कोई नबी नहीं होंगे, कोई रसूल नहीं होंगे, वो एक आम शख्स होंगे और शॉर्ट कमिंग्स होंगे उनके अंदर। जैसे किसी के अंदर भी गलती कोताही होती है, इमरान खान साहब हैं, उन्होंने 100 गलतियाँ की अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप देखें कि जब हुकूमत में आए, हुकूमत संभालते ही रियासत मदीना की बात अल्लाह ताला ने उनसे करवा दी। इसी तरह वो कोई लीडर होंगे जिनके अंदर 100 शॉर्ट कमिंग हो सकती हैं, हो सकता है क्लीन शेव हों, हो सकता है, देखें मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बाबा कौम, अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम लिया, लेकिन वो क्लीन शेव थे, कोई दीन का उस तरह से इल्म नहीं था जो हम किसी दीनी मुसलमान लीडर से पास्ट के एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कोई बहुत बाशरा होगा, बहुत सर पे पगड़ी होगी, दाढ़ी लंबी होगी और तलवार हाथ में होगी, घोड़े पे सवार होके आएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। एक मॉडर्न लीडर थे, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल से बिलोंग करते थे और शरई दीनी लिहाज से बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी उनके अंदर, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम लिया। इसी तरह इमामुल महदी, उनके अंदर इस तरह की शॉर्ट कमिंग्स हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला युस्लिहुल्लाहु फी लैला, अल्लाह ताला उनकी एक रात में इस्लाह फरमा देंगे। इस्लाह होने के बाद वो बाशरा भी हो जाएंगे और वो जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनके अंदर से वो दूर हो जाएंगी और वो जो इस्लाम का मुकम्मल पर्सनैलिटी का एक 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 सांचा है उसमें ढल जाएंगे। जैसे सहाबा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ियाँ मुबारक थी, मोस्ट प्रोबेबली दाढ़ी भी रख लेंगे शायद अगर पहले ना भी हो। इसी तरह से जो इखलाक मामलात लेन देन इसके अंदर अगर कोई कमी, इबादत इनके अंदर अगर कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला उस सबको एक रात में दूर फरमा देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग उनको पहचान ही नहीं सकेंगे उससे पहले। ज़ाहिर है, देखें इस दुनिया में हम रहते हैं, इसी के रूल अप्लाई होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया के रूल अल्लाह के ख़ास बंदों से हटने होते तो सबसे ज़्यादा तो हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि उनको अल्लाह ताला एकदम ही एक लम्हे में, एक जुम्बिश में, एक मौजज़े के ज़रिए से लीडर बना देता, एक रियासत दे देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ताइफ़ में उनको पत्थर ना खाने पड़ते, शैब अबी तालिब में उनको भूखा ना रहना पड़ता, ग़ज़वा खंदक में उनको पेट में पत्थर ना बांधने पड़ते, हिजरत की सोबतें और मुश्किलात ना उठानी पड़ती, मुशरिकीन मक्का और अपने रिश्तेदारों से जो हैं वो तोहमतें और इल्ज़ामात और उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो ना बर्दाश्त करनी पड़ती। नहीं, ये दुनिया जो है ये आलम खल्क है, इसके अंदर वो सारे रूल अप्लाई होते हैं जिनके तहत अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है। हत्ता के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने रियासत मदीना अता फरमाई, लेकिन उसके सारे स्टेप्स और पैरामीटर्स पहले उनसे गुजरना पड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर रियासत अता हुई। इसी तरह इमामुल महदी भी ऐसे होंगे कि वो ऐसे नहीं है कि एक रात में बस अचानक से कोई बिल्कुल अननोन बंदा होगा और अनाउंस हो जाएगा और वो कोई मौजज़ा हो जाएगा।
होगा, ज़रूर होगा, जैसे हदीस शरीफ में आता है कि आसमान से आवाज़ आएगी और इस तरह के मामलात होंगे, लेकिन लोग उनको बहुत पहले से पहचानने लग जाएंगे, आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे कि इस शख्स पे नज़र रखो, इसके अंदर ये साइंस हैं, इसके अंदर ये बातें हैं, या इसको अल्लाह ताला ने वो इल्म दिया है कि जिससे लगता है कि शायद ये फ्यूचर में इमाम मेहदी और उनके गिर्द लोग जमा हो चुके होंगे। फाइनली जब बड़े साइंस पूरे हो जाएंगे तो फिर वो जो लोग उनके गिर जमा होंगे, ऑब्वियसली वो सबसे पहले उनको फ़ौरन से देखें, वो कहेंगे कि देखिए हमें तो पहले ही लगता था कि ये, और वो फिर उनको एक्सेप्ट करके उनके हाथ पर बैत कर लेंगे और फिर आम मुसलमान भी फॉलो करेंगे।